Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to complete the story of nature created man and woman as equals. In the previous video, we have discussed that there was a lady named Ashangbi. She was an activist, at the same time a social worker. She worked for women's rights. And her husband was very supportive to her. He helped her in every manner he can. And one of their children named Lantoi, she was a daughter. She came to the mother and she told that it was day of Sunday. And the mother asked that, have you finished your studies? Then she told that, yes, studies are finished last night only. And this day she want to utilize in doing some different work. So she told that in her school, there is going to be a symposium in which there will be a kind of discussion on the topic of equality of nature of men and women, that is nature created man and woman as equals. This was the topic of her symposium. So the parents were saying that there should be equality, but actually there is no equality in world for men and women. That means women are mostly dominated or controlled by men. So this was going on, and now let us continue the story. Ashangbi knows well that men and women are equal. Ashangbi janti is cheez ko ki men aur women equal hote hain. Women, who are half of the human race, are as important as men. और उसका ये मानना है कि जो women है वो human race means जो एक race चलती है, आप कह सकते हैं जनरेशन या फैमिली, हर चीज़ में मैन और वुमेन दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं. शी राइट्स एंड टॉक्स अबाउट सच टॉपिक्स, और वो इस तरह के टॉपिक्स पर लिखती भी है और उसके बारे में बात भी करती है. हर डॉटर दो अ चाइल्ड ऑल्सो अंडरस्टैंड्स वेल दैट हर मदर इज़ नॉट अ पर्सन ऑफ लेसर क्वालिटी दैन हर फादर, और उनकी जो बेटी है अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई है, वो छोटी ही है, बच्ची है, बट फिर भी उस चीज़ को समझती है कि जो उसकी मदर है वो किसी भी तरह से अपने उसके फादर से कम नहीं है. कोई भी क्वालिटी में, किसी भी एट्रीब्यूट में उसके फादर से कम नहीं है. शी सेज आर होम इज़ फुल ऑफ लव विद यू मदर, और वो कहती है कि जो हमारा घर है वो आपके प्यार से भरा हुआ है. द मदर बीम्स विद जॉय एट द वर्ड्स ऑफ अ डॉटर, मदर को बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है. बीम्स विद जॉय मीन्स खुश हो जाती है वो. As a matter of fact, mother is the fountain of love in a family. और अगर हम सच के बारे में बात करें, fact के बारे में बात करें, तो mother ही एक तरीके से fountain. Fountain means क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा fountain, जिसमें पानी जो होता है वो स्पार्कल होके हर जगह फैलता है, स्प्रेड होता है. सो उसी तरह से फवारा हम हिंदी में बोलते हैं. तो मदर जो है वो फाउंटेन है जिससे हर तरफ लव स्प्रेड होता है फैमिली में. दिस बॉन्ड ऑफ लव इज़ बियॉन्ड कंपैरिजन विद एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, और ये जो मदर का लव होता है, जो मदर लव स्प्रेड करती है, वो किसी भी तरह से कंपेयर नहीं किया जा सकता, उससे भी आगे है वो, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है उस चीज़ का. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट मदरहुड हैड बीन ग्लोरीफाइड एंड वुमन एक्सेप्ट द चैलेंजेस इन लाइफ टू बिकम अ मदर, और इसीलिए इट इज़ बिकॉज, और ये इस कारण से है. और जैसे मदरहुड मीन्स क्या होता है, जो मदर अपना रोल प्ले करती है वो मदरहुड कह सकते हैं, जैसे चाइल्डहुड उसी तरह से मदरहुड. तो मदरहुड को हमेशा से तारीफ़ की गई है, मीन्स जो लेडी मदर बनती है, जो लेडी मदर होती है उसकी बहुत ही रिस्पेक्ट की जाती है, क्योंकि वो जो है अपनी लाइफ में सारे चैलेंजेस को फेस करती है टू बिकम अ मदर, एक मदर बनने के लिए, एक अच्छी मदर बनने के लिए. दैट मीन्स टू गिव लव टू ईच एंड एवरी चाइल्ड, टू गिव लव टू द फैमिली, और उसके लिए मदर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और बहुत चैलेंजेस भी उनको लाइफ में एक्सेप्ट करने होते हैं. शोइंग डीप अफेक्शन Ashangbi कंटिन्यूज, और अपना बहुत प्यार दिखाते हुए उसको बोलती हैं, Ashangbi बोलती है उनकी बेटी को, पायनियर वुमन टेस्टिफाई टू द इक्वालिटी ऑफ वुमन विद मैन. वो कहती है पायनियर मीन्स जो हमेशा किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं आगे रह के, और टेस्टिफाई मीन्स आप कह सकते हैं प्रूफ करना. तो जो ऐसी लेडीज़ होती हैं जो हमेशा आगे रहती हैं, आगे रहकर किसी चीज़ की स्टार्टिंग करती हैं,
कोई नई चीज़ ट्राई करती हैं वो ही एक्चुअल में प्रूव कर पाती है कि मैन और वुमेन इक्वल हैं। एक्चुअली लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट बोथ मैन एंड वुमेन। वो कहती है कि लाइफ ना मैन के बिना पॉसिबल है ना वुमेन के बिना पॉसिबल, मीन्स बोथ ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट। लंथोई हैज़ बीन फैसिनेटेड बाय द स्टोरीज ऑफ पायनियर वुमेन। और जो लंथोई है, जो डॉटर है, वो काफ़ी खुश हुई है, बहुत अट्रैक्ट हुई है और इम्प्रेस हुई है ऐसी स्टोरीज से, इन पायनियर वुमेन की स्टोरीज से। हर ग्रैंड मदर हैड नरेटेड मैनी स्टोरीज ऑफ द ब्रेव क्वींस लाइक लंथोई, गांबी एंड कुरंगाना यानी। सो दीज वर द क्वींस। तो इनकी क्वींस की जो स्टोरी है, इन स्टोरीज से वो काफ़ी मीन्स आप कह सकते हैं इम्प्रेस्ड रही हैं, जो उसकी ग्रैंड मदर उसको सुनाती थी, हु वर एज ब्रेव एज किंग्स। तो ये जो क्वींस थी ये भी किंग की तरह ही ब्रेव थी। देर वर ऑल्सो मैनी ब्रेव वुमेन अमंग द कॉमन पीपल। और इवन कॉमन पीपल में भी, हम किंग और क्वीन की बात ना करें तो कॉमन पीपल में भी कई वुमेन ऐसी होती हैं जो ब्रेव होती हैं। दीज वुमेन एज हर ग्रैंड मदर नरेटेड वर मेकर्स ऑफ होम, फैमिली, सोसाइटी एंड द नेशन। और जो ये वुमेन हैं, जो उसकी ग्रैंड मदर ने बताया, जो कॉमन पीपल में भी मिलती हैं, तो वो कौन होती हैं? वो मेकर्स होती हैं, मीन्स जो घर बनाती हैं। घर बनाना इन द सेंस फैमिली को ध्यान से रखना, फैमिली का केयर करना, सोसाइटी में अपना एक अलग ही स्टेटस मेंटेन करना, नेशन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना। तो ये लेडीज ब्रेव वुमेन कहलाती हैं। दे वर सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंसेस। सिविलाइजिंग मीन्स एजुकेटिंग। तो वो एक तरीके से क्या करती है, वो इन्फ्लुएंस करती है, वो इफ़ेक्ट देती है जो उनके आसपास है, उन सबको वो एजुकेट करती है। एट द सेम टाइम दे वर ऑल्सो एडवेंचर्स हु क्लेम्ड देयर शेयर्स इन फ्री लैंड, प्लग्ड एंड रेज्ड क्रॉप्स विद देयर ओन हैंड्स एंड ड्रॉ कैटल। और इसके साथ ही उनने अपने एडवेंचर्स, मीन्स आप कह सकते हैं कि सी, कई लेडीज़ ऐसी होती है जो विलेजेस में स्पेशली वो क्या करती हैं, खेतों में काम करती हैं, फसल जो क्रॉप्स होती हैं उनको बोना, उनको सींचना, उनको रेस करना, ये सब उनका काम होता है। और इवन कैटल को भी वो मीन्स आप कह सकते हैं, जैसे गाय है तो गाय का दूध निकालना, गाय के लिए चारा करना, मीन्स जो भी उनके वर्क होते हैं कैटल के, सो ये सब वर्क भी एक वुमेन करती है। मॉडर्न वुमेन हैव बिकम माउंटेनियर्स, नेचुरलिस्ट्स, एस्ट्रोनॉट्स, साइंटिस्ट, सोल्जर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स। और आज की जो लेडीज़ हैं वो इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि वो इवन माउंटेनियर्स, मीन्स जो पहाड़ पर चढ़ गई, ऐसी लेडीज़ भी हैं जो नेचुरलिस्ट्स हैं, जो नेचर से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, खोज करती है, एस्ट्रोनॉट बनी है, साइंटिस्ट हैं, सोल्जर और इवन पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं। दिस प्रूव्स दैट देयर इज़ नथिंग अ वुमन कैन नॉट डू एंड ऑल्सो दैट वुमेन एंड मैन वर क्रिएटेड एज इक्वल्स। और ये चीज़ प्रूव करती है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो वुमन नहीं कर सकती, और मैन और वुमेन हमेशा से इक्वल ही बनाए गए हैं। लेट अस सी नेक्स्ट। देन शी आस्क्स हर मदर फर्दर। वो आगे पूछती है अपनी मदर से, मदर यू हैव थ्रोन लाइट ऑन द इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन एंड ऑल्सो हैव एम्फेसाइज्ड दैट द वर्ल्ड इज स्टिल एन अनइक्वल वर्ल्ड। वो अपने मदर से कहती है कि आपने इस चीज़ पर लाइट थ्रो करना, मीन्स एक्सप्लेनेशन देना, किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन बताना, तो आपने इस बारे में तो मुझे इन्फॉर्मेशन बताई है कि किस तरह से मैन और वुमेन इक्वल होते हैं, और आपने एम्फेसाइज, मीन्स आप कह सकते हैं किस चीज़ पर जोर देना कि वर्ल्ड जो है वो पूरी तरह से अनइक्वल है, अभी भी वर्ल्ड में अनइक्वालिटी है। देन वॉट आई वुड लाइक टू नो इज इफ देर आर मोरल, सोशल एंड लीगल प्रोविजंस टू इनेबल वुमेन to express their physical and mental potential and to set themselves free from suppression। तो वो पूछती है कि आपने मुझे बताया है कि इक्वल होना चाहिए बट इक्वल है नहीं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हो अगर कुछ मॉरल, सोशल या लीगल प्रोविजंस हो। प्रोविजंस में आप कह सकते हैं कि ऐसे कुछ रूल्स या लॉज होने चाहिए जो मॉरल हो, मॉरल मीन्स आप कह सकते हैं कि जो नैतिक होते हैं, मीन्स हमें करना चाहिए अच्छे काम करने वाले। सोशल मीन्स जो सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, लीगल मीन्स जो
आप कह सकते हैं कि जो आपके लॉ से पर्टिकुलर लॉ से ही रिलेटेड होते हैं, तो ऐसे कुछ रूल्स या ऐसे कुछ लॉज होने चाहिए जिससे विमेन अपने आप को क्या कर सके, जो भी सप्रेशन होता है मीन्स जो डोमिनेशन होता है, जो कंट्रोल होता है, उससे बाहर ला सके, अपने फिजिकल और मेंटल पोटेंशियल को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। पोटेंशियल मीन्स जो उनकी एबिलिटी है, जो उनमें क्वालिटीज़ हैं, तो जो उनकी फिजिकल क्वालिटी हैं, जो उनकी मेंटल क्वालिटी है, उसको एक्सप्रेस कर सके और अपने आप को इस सप्रेशन से क्या कर सके, फ्री कर सके। मीन्स ऐसा कुछ कंट्रोल हो रहा है, उनको डोमिनेट किया जा रहा है, तो उन चीज़ों से वो अपने आप को फ्री कर सके। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस होने चाहिए। अगर हो तो क्या हो, अमेज्ड एट द क्यूरियोसिटी ऑफ अ डॉटर, आशंग भी एड्स अपनी बेटी की इस क्यूरियोसिटी को देखकर वो एकदम शौक होती है और उसको अच्छा भी लगता है, खुश भी होती है। फिर वो कहती है देर आर मैनी, वो कहती है कि कई सारे प्रोविजंस हैं। अंडर द एजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस देयर इज अ डिक्लेरेशन फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑफ इक्वालिटी। अंडर द एजेस का मीनिंग होता है विद द प्रोटेक्शन और सपोर्ट ऑफ, दैट मीन्स पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पीपल के सपोर्ट से कई सारे ऐसे प्रोविजंस भी बनाए गए हैं और ये डिक्लेयर किया गया है कि एक न्यू वर्ल्ड होना चाहिए इक्वालिटी का। इट हैज़ फॉलोइंग डायमेंशंस और इसके कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं। फर्स्ट, इक्वल एक्सेस टू बेसिक सोशल सर्विसेज इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन। दैट मीन्स अगर मैन या वुमेन कोई भी किसी को भी हेल्थ या एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उन दोनों को ही इक्वली हेल्प मिलनी चाहिए, उनका एक एक्सेस मीन्स आप कह सकते हैं उनकी पहुंच। दैट मीन्स हम जानते हैं कि आजकल जो स्कूल है गर्ल्स भी एजुकेट हो रही है, बॉयज़ भी हो रही है, तो वो इक्वालिटी हो रही है। तो हेल्थ और एजुकेशन में ये जो सोशल सर्विसेज है इनमें क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। सेकेंड, इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। और सेकेंड डायमेंशन क्या है उसका, के पार्ट जो पॉलिटिकल हैं और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन। दैट मीन्स अगर मैन पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो वुमेन को भी पूरा राइट है जाने का। कोई इकोनॉमिक डिसीजन बन हो रहा है, इकोनॉमिक मीन्स पैसे से रिलेटेड कोई डिसीजन हो रहा है, तो उनको भी पूरा राइट है उस डिसीजन में इन्वॉल्व होने का। नेक्स्ट, इक्वल रिवॉर्ड फॉर इक्वल वर्क। अगर कोई काम अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई मेल अच्छा काम कर रहा है तो उसको ही रिवॉर्ड मिल रहा है, फीमेल को नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ में भी इक्वालिटी होती है, होनी चाहिए, मीन्स उस डायमेंशन के हिसाब से है। नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। एलिमिनेशन मीन्स होता है कंप्लीट रिमूवल। तो उसका जो लास्ट पॉइंट वो ये है कि मैन और वुमेन में किसी भी तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस मीन्स उनको मारना, उनको परेशान करना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देन द मदर कंक्लूडेड, माई डियर डॉटर, वी कैन अफर्म लॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशंस दैट मैन एंड वुमेन आर इक्वल्स। तो वो कहती है कि अफर्म का मीनिंग होता है स्टेट, मीन्स स्टेट एम्फेटिकली या पब्लिकली इस चीज़ को मान जाना। तो हम ये चीज़ मानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के साथ में मिलकर ये चीज़, ये जो डायमेंशंस हैं ये फॉलो हो रहे हैं कई जगह पर, दैट मैन एंड वुमेन आर इक्वल। लंथोई अंडरस्टैंड्स व्हाट हर मदर मींस एंड व्हाट द टॉपिक ऑफ द सिंपोजियम मींस। और अब जो गर्ल है वो ये चीज़ समझ गई कि उसकी मदर क्या कहना चाहती है, और जो उसका टॉपिक है दैट इज़ नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल्स, उसका मतलब क्या है। दस कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस द नेक्स्ट डे आफ्टर थैंकिंग हर मदर, द गर्ल ऑफ 12 happily rushes out of the room in the bright morning sun। और next day क्या होता है, वो पूरी confident है, वो अपने आप में confidence आ गया उसको पूरा, और अब वो पूरा हर चीज़ समझ चुकी है, उसका topic क्या है वो ready है बोलने के लिए, और वो अपनी mother को thank करती है। उसकी age बताइए यहाँ पे कि girl of 12, that means वो 12 years old है, और वो happily अपने कमरे से बाहर जाती है जहाँ उसको bright morning sun, that means morning हो रही है और सनराइज हो चुके हैं, तो उसको देखती है और वो खुश होती है। द ब्लू स्काई मीट्स रेंज ऑफ द ईस्टर्न माउंटेन्स, और माउंटेन से स्काई का क्या हो रहा है, मीन्स अगर आप दूर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पहाड़ और आसमान एक दूसरे के बिल्कुल पास है, वो मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो वही सीन उसको दिख रहा है। द स्मॉल गर्ल इज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द स्मॉल ट्रेल विच विंड्स अप द डिस्टेंट पर्पल माउंटेन, और वो हमेशा इस चीज़ को देखकर बहुत खुश हो जाती है कि जब
ट्रेल मेंस होते हैं, छोटे मार्क या ऐसे कुछ निशान, तो हम देखते हैं कि आसमान में कहीं ना कहीं बादलों के निशान होते हैं, माउंटेन पर थोड़े से निशान होते हैं, तो पर्पल माउंटेन इन द सेंस वो फ्लावर से भरे होंगे माउंटेन, तो उनको देखकर वो हमेशा खुश होती है। दैट मीन्स वो नेचुरल सीन जो है, जो नेचुरल सीनरी है, उसको देखकर वो हमेशा खुश होती है। और आज तो वो खुश इसलिए भी है क्योंकि उसका जो टॉपिक है उसको पूरा तरीके से समझ में आ गया है, एंड शी इज़ रेडी टू स्पीक ऑन इट। सो आई होप टुडेज़ वीडियो इज़ क्लियर टू यू एंड दिस चैप्टर एंड्स ओवर हियर। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।